मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चंस नंबर 30 करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 30 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए ध्यान से, 30 नंबर क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी है जो एक्यूट एंगल है, सच दैट टैन ए इक्वल टैन बी है, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी है। यही आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लिया हूं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम दे दो इसको, सिंपल सा देख सकते हो। ए हो गया यहां पर, बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, राइट ना। ये आपको ड्रॉ कर लिए, और हमें पता है क्या, अब जो दिया उसको लिख देता हूं पहले। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें साबित ये करना है कि एंगल जो ए है ना, एंगल बी का इक्वल है, यही प्रूफ करना। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। प्रूफ में चलेंगे। सबसे पहले जो दिया वो टर्म को लिख लेता हूं, टैन ए इक्वल टैन बी, राइट ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, टैन थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है। तो देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला को मेंशन कर देता हूं, टैन थीटा इक्वल पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो अगर मैं टैन ए एंगल ए को मैं बोलू इस तरह से कि एंगल ए को थीटा मानू, तो अगर ये सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये साथ में चलने वाला बेस कहलाता है, ये 90 का सामने वाला हाइपोटेनस। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, पी बाई बी लिखेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा सो समझिएगा, एंगल ए के हिसाब से। तो ए आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी लिखेंगे। बीसी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंगल ए, और यहां पर देख सकते हो बेस हमारा क्या हो गया, एसी, एसी हमारा बेस बन गया। चलिए ठीक है, अब टैन बी के हिसाब से अब मैं एंगल बी को चेंज कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, अब एंगल चेंज कर रहा हूं। तो देखिए एंगल जब चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। तो अब एंगल बी को मैं थीटा मान रहा हूं, तो इसका सामने वाला क्या क्या लगा, परपेंडिकुलर, इसका साथ में चलने वाला बेस, परपेंडिकुलर हमारा ए हो गया। तो यहां पर देख सकते हो ए सी बाय ये आपका बीसी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको सिंपल सा समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस पे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका। देखिएगा ध्यान से क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पर लिखने का कोई जरूरी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बीसी इंटू बीसी हो जाएगा इक्वल ए सी इंटू ए सी हो जाएगा। तो इन दिस केसेज आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, राइट ना। अब हमें क्या पता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि बीसी इक्वल टू ए सी हो गया। जब दो साइड आपस में इक्वल हो तो दियर अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल होता है। मीन्स कह सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन दिस केस क्या कर सकते हैं कि जो बेसी, देखिए यहां पर लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज समझिएगा, बीसी जो है ना, देखिएगा बीसी जो है किसके इक्वल है, एसी का इक्वल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। तो मैं क्या लिखा, एंगल अपोजिट टू यहां पर टू छूट गया, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि दो साइड आपस में इक्वल होगा तो दियर अपोजिट, ए साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा, ए साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, ठीक है। ये आपको यहां पर प्रूव हो गया, ठीक है। आई थिंक पूरी तरह से क्वेश्चंस को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।